हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट ऑन एंड टेक्निकल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के आइकन पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको फिजिकल थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि अगर आप हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन होना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन का हमारा पहला वीडियो इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक वाइज एक एक वीडियो में बनाती रहूंगी। तो स्टार्ट करते वीडियो को। पहले हम लोग समझेंगे कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। पावर ट्रांसमिशन की डेफिनेशन पहले समझते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें एक मशीन से दूसरी मशीन में ऊर्जा या फिर शक्ति का को घूर्णन गति द्वारा पहुंचाया जाता है उसे क्या कहते हैं, पावर ट्रांसमिशन या फिर शक्ति पारेषण बोलते हैं। पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मोटर है, ठीक, आपके पास एक मशीन है, आपको उसी मशीन से दूसरी मशीन को चलाने के लिए उसमें पावर को आपको ट्रांसफर करना है, ठीक, उसको पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए हम लोग जो पहुंचाना ही हम लोग को क्या कहलाता है, पावर ट्रांसमिशन कहलाता है। पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, बस हम लोग को इतना ध्यान रखना है कि एक मशीन से दूसरी मशीन में एनर्जी या फिर पावर को ट्रांसफर करने के लिए। कैसे ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर में कौन सी गति होगी, कौन सा मोशन होगा, वो होगा रोटरी मोशन। मैंने लिखा है यहाँ पे घूर्णन गति। अब बहुत से लोग होंगे कि घूर्णन गति क्या होता है, तो घूर्णन गति को समझते हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारी कोई शाफ्ट है, ठीक, जो हमारा मान लीजिए हमारा कोई पिन है जिसको हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक, जैसे पंखा हमारा एक ही जगह पे घूमता तो है, लेकिन क्या होता है, एक ही केंद्र, उसका जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, वो एक ही जगह पे होता है, वो अपनी ही जगह पे गोल गोल करके घूमा करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम लोग घूर्णन गति बोलते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन में जो गति होती है वो हमारी कौन सी गति होती है, घूर्णन गति होती है। तो आपको ये तो समझ में आएगा, आपको ये तो समझ में आया होगा कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। पावर ट्रांसमिशन एक ऐसी प्रक्रिया या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मशीन से दूसरी मशीन में पावर को ट्रांसफर किया जाता है, कैसी गति से, घूर्णन गति से पहुंचाया जाता है, ठीक। जैसे आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, डायग्राम हमारा क्या है, जैसे कि पहले हमारी एक मोटर है, ठीक, हमारे तीन मैंने एलिमेंट्स लिए हैं इसमें, एक क्या है हमारा मोटर है, दूसरी हमारी एक मशीन, तीसरी हमारी मशीन है, ठीक है। हम लोगों ने इस मोटर से एनर्जी को, हमारी जो उसकी पावर थी या फिर जो ऊर्जा थी, उसको हमें यहाँ तक पहुँचाना था। तो किस पे हम लोग कैसे पहुँचाए, तो एक एलिमेंट का यूज़ किया। एलिमेंट क्या था हमारा, कोई शाफ्ट हो गया, कोई बेल्ट हो गई, या फिर कोई पुली हो गई, या फिर कोई गियर हो गया, कोई चैन हो, मतलब कई सारे डिवाइसेस होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग पावर को ट्रांसफर करते हैं। तो अब इस जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई शाफ्ट लगी हुई है, कोई हमारी शाफ्ट है, तो शाफ्ट में जब यहाँ से वो घूमेगा, अगर ये यहाँ अपने केंद्र पे नहीं घूमेगी, अगर ये अपने केंद्र पे शाफ्ट नहीं घूमेगा, तो मोटर अलग रहेगी, शाफ्ट अलग जाएगा, पावर ट्रांसमिशन की तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, घूर्णन गति या फिर रोटरी मोशन। जिस क्या होता है कि इसमें एक केंद्र से दूसरे केंद्र से ये ज्वाइंट होता है, मतलब जुड़ा होता है, और जो पावर होता है वो इसी के थ्रू जाता है, ठीक है। आई होप आपको पावर ट्रांसमिशन तो पता ही चल गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि पावर ट्रांसमिशन में कितने, उसमें किस तरह का ड्राइविंग सिस्टम होता है। हमारे टू टाइप्स के ड्राइविंग सिस्टम होते हैं, कौन कौन से, एक कंबाइंड ड्राइविंग होता है और एक होता है इंडिविजुअल ड्राइव, ठीक है, कंबाइंड ड्राइव और इंडिविजुअल ड्राइव। अब कंबाइंड ड्राइव और इंडिविजुअल ड्राइव क्या होता है ये भी समझते हैं। कंबाइंड ड्राइव जैसे इसमें क्या होता है, इसमें एक शाफ्ट द्वारा अनेक मशीन में को चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक मोटर है, उसमें आपने कई सारी चक्कियों को, कई सारी मशीनों को ज्वाइंट कर दिया, एक ही मोटर है कि वो सारी मशीनें उसी से चल रही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए क्या होता है, इसमें फास्ट और लूज पुली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसमें फास्ट और लूज पुली का प्रयोग करते हैं जिससे एक मशीन को चलाया जाता है। लेकिन इंडिविजुअल में क्या होता है, इंडिविजुअल ड्राइव वो होता है जिसमें हम लोग एक मशीन से एक ही मोटर को अटैच करते हैं। जैसे माना आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि हमारी जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें एक मोटर होती है, एक ही मोटर से पूरी मशीन को हम लोग चलाते हैं।
इसमें क्या होता था, कंबाइंड वायर में क्या मतलब क्या दिक्कत आती थी कि इसमें हमारा उलझा जो होती थी उलझा बहुत ही ज़्यादा लगती थी, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया इंडिविजुअल वायर से क्या हुआ, जो हमारी ऊर्जा होती है, जो हमें एनर्जी होती है कम लॉस होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है। दूसरी चीज़ ठीक है, आई होप आपको दो टॉपिक समझ में आएंगे कि पावर ट्रांसफर क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन में ड्राइविंग सिस्टम कितने मैटर्स का होता है। ठीक है, आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है, कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूज़न होती है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ताकि और नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा पुली ड्राइव हो गया, बेल्ट ड्राइव हो गया, चेन ड्राइव हो गया, गियर ड्राइव हो गया, रोप ड्राइव होता है, शाफ्ट होता है, क्लच होता है, कपलिंग होती है, और कैम होता है फ्रिक्शन। इतने सारे पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको एक एक करके एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पॉइंट्स क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।